हेलो फ्रेंड्स, शोर सक्सेस एकेडमी में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं जावेद शोर सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो है MPGK स्टार्ट किया है और पहला ऑडियो जो है आपने देख लिया होगा और मुझे बहुत खुशी है कि 500 सब्सक्राइबर उस पहले वीडियो के माध्यम से ही हो गए हैं और इसी प्रकार से मैं आपका साथ चाहता हूं। बहुत जल्द हम 1000 की लिमिट को क्रॉस करेंगे और इसमें मुझे आपका पूरा भरपूर सहयोग चाहिए और मैं आपसे पूरा सच्चे दिल से वादा करता हूं कि अगर आप इसी प्रकार से मेरा साथ देते रहेंगे तो यूट्यूब का सबसे अच्छा MPGK वाला जो है ये चैनल होने वाला है। तो आपसे बस इतनी ही विनती है कि अगर आपको ये मेहनत मेरी सार्थक लगती है, आपको लगता है कि वास्तविकता में जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप मेरा साथ दें और अपने सारे पढ़ने वाले जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की, स्पेशली व्यापम, MP पुलिस, कांस्टेबल, इनकी तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और चैनल धीरे धीरे आगे बढ़ता जाए। और दोस्तों, एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की लाइक ज़रूर करें। व्यूज़ बढ़ रहे हैं लेकिन लाइक नहीं बढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि मैं कोई आपसे फ़ीस ले रहा हूँ, सिर्फ गुरु दक्षिणा के रूप में आपसे मांगता हूँ कि शेयर कर दें कम से कम 5 लोगों में और लाइक ज़रूर करते रहें ताकि इससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे। क्योंकि जब आप लाइक नहीं करते, हम लोग मेहनत करते हैं, आप लाइक नहीं करते या शेयर नहीं करते तो पढ़ाने वाले टीचर का मनोबल घटता जाता है। चलिए, अब बिना किसी टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी पढ़ रहे थे पहले ऑडियो में जो मैंने भेजा था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और सामान्य जानकारी हम इस ऑडियो में ख़त्म कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के संभाग, मध्य प्रदेश के संभाग कितने हैं तो आप बताएंगे, मध्य प्रदेश के 10 संभाग है, ठीक है, कितने हैं, 10 संभाग है। और सबसे नया संभाग, नवीनतम जो संभाग है वो कौन सा है, शहडोल है। सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है, शहडोल है। एक्चुअली में 2008 में जो है दो संभाग बनाने की घोषणा की गई थी, शहडोल और छिंदवाड़ा, लेकिन छिंदवाड़ा को संभाग नहीं बनाया गया, केवल शहडोल को बनाया गया। लेकिन अब जब भी 11वां संभाग मध्य प्रदेश शासन घोषित करेगा वो कौन सा होगा, आपका छिंदवाड़ा होगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, पूछा जा सकता है कि 11वां संभाग कौन सा प्रस्तावित या कौन सा प्रस्तावित संभाग है, तो आप बताएंगे छिंदवाड़ा, और नवीनतम संभाग कौन सा है, शहडोल। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं और नवीनतम जिला जो है निवाड़ी है, सबसे नया, जो आपका टीकमगढ़ से अलग होके बना है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला किस जिले से अलग होके बना है, तो निवाड़ी जिला टीकमगढ़ से अलग होके बना है और टीकमगढ़ निवाड़ी जो है 52वां जिला है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कमलनाथ ने भी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी कुछ 2-3 जिले बनाने की घोषणा की थी, और अभी वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान ने भी एक जिला बनाने की घोषणा की, लेकिन वो सिर्फ घोषणा की है, बने नहीं है, इसलिए हम केवल 52 जिले बताएंगे। जैसे ही वो बन जाएंगे जिले तो मैं आपको जो है इसमें अपडेट करके बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कितने विकासखंड या जनपद पंचायत है, मध्य प्रदेश में कितने विकासखंड या जनपद पंचायत है, तो 313। याद रखिए दोनों मैंने एक साथ लिखे हैं क्योंकि जितने विकासखंड है उतने ही क्या है, जनपद पंचायत है, तो आपका उत्तर आएगा 313। अगला प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, मध्य प्रदेश में कितने आदिवासी विकासखंड है, मध्य प्रदेश में कितने आदिवासी विकासखंड है, तो आपका उत्तर आएगा 89 आदिवासी विकासखंड है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत है, 23,006। ये सब जो आंकड़े हैं मैं 2011 के अनुसार बता रहा हूँ, अगली सेंसस में आंकड़े बदल सकते हैं, लेकिन अभी आप याद रखिए ग्राम पंचायत 23,006 बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, पटवारी की परीक्षा में पूछा गया था एक सेट में कि मध्य प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कितनी नगर पंचायत है, मध्य प्रदेश में कितनी नगर पंचायत है, तो आपको उत्तर आएगा 264। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कितनी नगर पालिका है, नगर पालिका कितनी है, तो आपको उत्तर आएगा 98 नगर पालिका है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम है, नगर निगम 16 है, 16 नगर निगम है, और नगर निगम का जो प्रमुख होता है वो महापौर होता है, ठीक है, महापौर। आगे अपन जब पंचायत राज पढ़ेंगे तो और मैं डिटेल में इसके बारे में आपको बताऊंगा। अगला जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, विधानसभा से संबंधित, मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बनता है वो कितने लोगों से मिलकर बनता है, उसको बोलते हैं विधानसभा, और प्रधानमंत्री जो बनता है उसको बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा से, ठीक है। तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो आप बताएंगे 230। तो आप बताएंगे सर 230 और प्लस 1 क्यों लिख रखा है, देखिए ऑप्शन में 230 आए तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में 230 नहीं है तो आप 231 पर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि एक सीट जो होती है वो आंग्लो भारतीय की होती है, एंग्लो इंडियन को,
एंग्लो इंडियन की होती है, जिसको चुनने का अधिकार गवर्नर को होता है, राज्यपाल को होता है। तो याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में 230 है तब तो ठीक है, अगर 230 नहीं है तो आप क्या बताएंगे, 231। अगर दोनों हैं तो आप 230 ही लगाएंगे, ठीक है। आगे, 230 सीटों में से कितने एससी, एससी का मतलब होता है अनुसूचित जाति, ये याद रखना, अनुसूचित जाति, एससी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के कितने विधायक होते हैं तो आप बताएंगे 35। एसटी शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के कितने लोग हैं तो आप बताएंगे 47। और कुल कितना आरक्षण है तो 35 और 47 को जोड़ेंगे, 7 × 5 = 12 का तो हासिल लगा है, 4 × 3 = 7 और 1 = 8, 82 है। तो आप ये सारी जानकारी याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं, अनुसूचित जाति की 35 है, अनुसूचित जनजाति की 47 है, और कुल कितनी है 82 है। आगे बात करते हैं लोकसभा, जिससे हमारे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 29 सीटें लोकसभा की है। आगे बात करते हैं एससी अनुसूचित जाति की कितनी है, इसमें 4 है। एसटी अनुसूचित जनजाति की कितनी है, 6। अब आप एक बात गौर करिएगा, एससी की 35, एसटी की 47, एससी की 4, एसटी की 6, हमेशा एसटी की ज़्यादा हो रहा है। भारत में एसटी कम है लेकिन मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा है। तो एक प्रश्न और मैं एक्चुअली मुझे याद आ गया तो बता देता हूँ, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा एसटी है, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग भारत के किस राज्य में हैं, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। आप देख लीजिए, अनुसूचित जनजाति जो है वो 47 है और 6 सीटें हैं, ठीक है। कुल आरक्षण कितना है तो 4 एससी की, 6 एसटी की, टोटल कितना हो गया 10। अगला, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो आपका उत्तर आएगा 11, और इसमें कोई आरक्षण नहीं है, इसमें जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, हम इनको नहीं चुनते, हमारे द्वारा चुने गए जो विधायक है वो इनको चुनते हैं। और अभी वर्तमान में आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है मध्य प्रदेश की तरफ से चुन के गए हैं, तो वो किसकी तरफ से गए हैं, विधायकों ने उनको चुना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे पढ़ते हैं दोस्तों, आज ख़त्म कर देंगे इस जानकारी को। हाँ, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है तो सबको पता है, भोपाल है कैपिटल। ऊर्जा राजधानी कौन सी है, सिंगरौली, सिंगरौली, और सिंगरौली में एक स्थान है बेढ़न, है ना, कोयले से संबंधित है पूरा सिंगरौली, बेढ़न, बेढ़न की वजह से जो है, बेढ़न जो स्थान है उसकी वजह से जो है ऊर्जा राजधानी का खिताब सिंगरौली को है। कुछ समय पहले तक जब ये ज़िला नहीं बना था, 2008 की बात बता रहा हूँ, 2008 में जो ऊर्जा राजधानी थी वो कौन सी थी, सीधी थी, कौन सी थी, सीधी ज़िला थी, लेकिन सीधी ज़िला अब नहीं रहा, सीधी ज़िले से टूट के एक नया ज़िला बन चुका है सिंगरौली, तो ऊर्जा राजधानी का खिताब भी किसके पास आ चुका है, सिंगरौली के पास। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी का क्या है, तो आप बताएंगे इंदौर। वैसे तो मध्य प्रदेश में उद्योग बहुत कम है लेकिन सबसे ज़्यादा उद्योग फिर भी कहाँ है, इंदौर में, पीथमपुर, धार, महू, ये सारे स्थान जो इंदौर के अंतर्गत आते हैं। तो ऊर्जा राजधानी, औद्योगिक राजधानी का खिताब भी किसके पास है, इंदौर के पास है। आगे बात करते हैं सीमा से लगे राज्य, मध्य प्रदेश के आसपास कितने राज्य हैं। मध्य प्रदेश पूर्णतः भूआवेष्टित राज्य है, मतलब मध्य प्रदेश की सीमा ना तो किसी अन्य देश से छूती है ना ही किसी समुद्र से छूती है। यहाँ आपको कभी भी या बाढ़ वगैरह या इस प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता कि नदी में तूफान आ गया या सुनामी आ गया, क्योंकि यहाँ पर कोई इस प्रकार की बड़ी बड़ी हमारे राज्य जो है इसकी सीमाएँ किसी बड़े समुद्र से नहीं मिलती, ठीक है। भूआवेष्टित राज्य है तो 5 राज्यों से इसकी सीमा मिलती है, उत्तर में उत्तर प्रदेश, मैप के माध्यम से मैं आपको बाद में बताऊँगा, अभी सिर्फ देख लीजिए, उत्तर में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में महाराष्ट्र है, पश्चिम में गुजरात है, उत्तर पश्चिम इधर की तरफ जो है राजस्थान है, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ है। अपन अगर मध्य प्रदेश का मैप देखें तो एक रफ बता रहा हूँ मैं, कुछ इस प्रकार से बनता है, यहाँ ऊपर जो है उत्तर में उत्तर प्रदेश है, यहाँ आपका दक्षिण में महाराष्ट्र है, इधर की तरफ जो है आपका गुजरात है, इधर की तरफ आपका जो है अपना क्या बोलते हैं इसको गुजरात है, और सॉरी गुजरात है, इधर राजस्थान है, और इधर आपका दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ है, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट कहाँ है, तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, जबलपुर में है, जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। खंडपीठ कहाँ है, तो खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में है, ग्वालियर इंदौर। अब यहाँ कन्फ्यूजन ये आता है, जब ये प्रश्न पूछता है ना तो एक ऑप्शन में भोपाल भी देते हैं, तो जो लोग पढ़ के नहीं जाते जो तुक्का मारते हो क्या सोचता है कि भोपाल में अगर मुख्यालय नहीं है तो खंडपीठ तो होना चाहिए, लेकिन याद रखिए भोपाल में ना तो उच्च न्यायालय है ना ही उसकी खंडपीठ है, प्रस्तावित खंडपीठ भोपाल में है। अब जब भी कोई खंडपीठ बनेगी, एक नया कार्यालय बनेगा, क्षेत्रीय कार्यालय, वो कहाँ बनेगा, भोपाल में। तो प्रश्न पूछिएगा, क्या पूछे कि खंडपीठ कहाँ है, तो ग्वालियर इंदौर, प्रस्तावित खंडपीठ कहाँ है, तो भोपाल।
आगे बात करते हैं भौगोलिक स्थिति, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसको आपको रटना पड़ेगा। भौगोलिक स्थिति 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। अब यहाँ आप अलग अलग किताबों में अलग अलग जो है इसके निर्देशांक देखेंगे, आपको कई जगह 74 डिग्री 59 मिनट मिल जाएगा, कई जगह 74 डिग्री मिलेगा, कई बार 81 डिग्री 48 मिनट मिलेगा, कई जगह 42 डिग्री 48 मिनट मिलेगा। इसका कारण ये है कि मैंने आपको मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल बताया था, दो, एक तो बताया था 308,245 और एक बताया था मैंने 308,252, ठीक है। और मैंने आपको याद करिए पिछले लेक्चर में बताया था कि 7 किलोमीटर का डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अमरकंटक जो है अनूपपुर जिले का अमरकंटक, उसकी किरार घाटी को भी शामिल किया गया है। तो जब शामिल करेंगे तो कुछ अलग अक्षांश आएंगे, जब शामिल नहीं करेंगे तो कुछ अलग देशांतर आएंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, इतना क्लोज क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसा कभी भी नहीं आएगा कि 9 मिनट भी दे दिया, 59 भी दे दिया, 9 भी दे दिया, 0 भी दे दिया, ऐसा कुछ नहीं आएगा, क्लियर है। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला, मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे तो ये उत्तर है आपका, तो मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है, तो आप बताएंगे यहाँ पे क्या है, मुरैना है। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला, मतलब ये यहाँ पे क्या है, तो मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला यहाँ पे आपका कौन सा है, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला, पूर्वी जिला ये रहा, यहाँ पे सिंगरौली, याद रखना क्या, पहले पूर्वी जिला कौन सा था, सीधी था, पहले पूर्वी जिला कौन सा था, सीधी था, अब कौन सा हो गया, सिंगरौली, सीधी इतना बड़ा था तो उसको काट के इधर सीधी हो गया, इधर सिंगरौली हो गया, तो पूर्वी जिला क्या है, सीधी है। और पश्चिमी जिला क्या है, तो पश्चिमी जिला आपका कौन सा है, पश्चिमी जिला है आपका अलीराजपुर, ठीक है, अलीराजपुर भी झाबुआ से अलग होकर बना है, ठीक है। आगे बात करते हैं मध्य जिला, मध्य प्रदेश के बिल्कुल मध्य में कौन सा जिला है, सागर जिला, क्लियर है, तो याद रहेगा इधर मुरैना, इधर बुरहानपुर, इधर आपका सिंगरौली, इधर अलीराजपुर, इधर सागर। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ये पूर्व से पश्चिम तक, यहाँ से यहाँ तक अगर सीधी लाइन खींचता हूँ मैं तो लंबाई कितनी है, तो आपका उत्तर आएगा 870 किलोमीटर। पहले, पहले का मतलब क्या होगा, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जब साथ थे तो टोटल लंबाई कितनी थी, 1127। कई बार ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि पहले लंबाई कितनी थी, 1127 किलोमीटर, ठीक है। और याद रखिए जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक ही राज्य थे तो मध्य प्रदेश पूरे भारत का पहला राज्य था क्षेत्रफल में, लेकिन जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विभाजित हो गए तो मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर आ गया, दूसरे, मतलब वर्तमान में मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा राज्य है, लेकिन पहले कौन सा राज्य था, पहला राज्य था, क्लियर है, ठीक है। अब पहले नंबर पर कौन आ चुका है, अब पहले नंबर पर राजस्थान आ चुका है, ठीक है। चलिए कुछ और प्रश्न देख लेते हैं फटाफट जल्दी से। हाँ, मध्य प्रदेश के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई मतलब अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन खींचूँ तो ये लंबाई कितनी है, तो आपका उत्तर आएगा उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 605 किलोमीटर, 605 किलोमीटर। पहले कितनी थी, 996 किलोमीटर, 996 किलोमीटर, ठीक है। मध्य प्रदेश का वर्तमान क्षेत्रफल कितना है, ये पहले रिपीट हो चुका है लेकिन कुछ अन्य कारणों की वजह से मैंने वापस से इसको शामिल किया है। वर्तमान क्षेत्रफल है 308,245 या 308,252, याद है क्यों, क्योंकि 7 किलोमीटर अमरकंटक की किरार घाटी है। अब पहले कितना था, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ साथ थे तब कितना था, तो 443,446 वर्ग किलोमीटर, मतलब 443,446 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश के IG पुलिस ऑफिस कितने हैं, 11, IG बड़ा होता है, DIG छोटा होता है, क्लियर। जब मैं मध्य प्रदेश पुलिस के बारे में बताऊंगा तो सब बताऊंगा आपको कि पुलिस कांस्टेबल क्या होता है, हेड कांस्टेबल क्या होता है, इन सारे सबके बारे में जानकारी बताऊंगा। तो मध्य प्रदेश के IG इंस्पेक्टर जनरल बोलते हैं इसको, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ऑफिस कितने हैं, 11। मध्य प्रदेश के DIG पुलिस कितने हैं, DIG मतलब डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कितने हैं, 15। अगला, पुलिस कंट्रोल रूम कितने हैं, पुलिस कंट्रोल रूम, अब यहाँ बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि सर पुलिस जिले तो 52 और पुलिस कंट्रोल रूम 53 क्यों, उसका कारण बताता हूँ, हर जिले में एक कंट्रोल रूम है और उन 52 जिलों को कंट्रोल करने के लिए भारत की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक और क्या है, आपका कंट्रोल रूम है जो 52 जिलों को कंट्रोल करता है। मध्य प्रदेश में पुलिस थाने कितने हैं, 1035 और पुलिस चौकियाँ कितनी हैं, 562, पुलिस उपसंभाग कितने हैं, 179, क्लियर है। ये तीनों आंकड़े आपको हर किताबों में अलग अलग दिखेंगे, इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि ये जो आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं सही है, लेकिन कई जगह आपको 1099 दिखेगा या 579 दिखेगा, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये तीनों आंकड़े आपको अलग अलग दिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो थी हमारी जानकारी मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, वो और कुछ और जानकारी वो हम इनके संबंधित टॉपिक में देखेंगे। तो आपको ऑडियो कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको आप शेयर करिए दक्षिणा के रूप में और लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए। हाँ, कमेंट करने के लिए मैं 3 प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, 3 प्रश्न आपको बताने हैं कमेंट में। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि मध्य प्रदेश में कितने IG पुलिस है, मध्य प्रदेश में कितने IG पुलिस ऑफिस है। दूसरा,
जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ साथ में थे तो उनका क्षेत्रफल कितना था, 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, और तीसरी चीज़ बता रहा हूँ कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने संभाग है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने संभाग है। इन तीनों के उत्तर अगर आपने पिछली और ये वाली ऑडियो वीडियो ध्यान से देखी है तो आप उत्तर दे पाएंगे। तो जल्दी से देख लीजिए और कमेंट में इसका उत्तर दीजिए, और दोस्तों सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।